नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले महीने से जुलाई की जो रीडिंग्स होंगी वो बिल्कुल फुल फ्लेश्ड, जैसे मैं रीडिंग करती हूँ वैसे रीडिंग होगी। तो जुलाई की रीडिंग जो है मैं वैसे ही, और मैंने बहुत जल्दी शुरू कर दिया है क्योंकि बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अचानक से हो जाते हैं कि मुझे रीडिंग्स बंद करनी पड़ती हैं या वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ। इसलिए मैंने अभी से शुरू कर दिया है ताकि मैं सारी रीडिंग्स जो मंथली प्रेडिक्शंस हैं वो एटलीस्ट मैं आप तक पहुँचा पाऊँ इस बार। और आप में से बहुत लोगों को ये शिकायत होती है कि मैं उनका जो कार्ड है या जो टिपिकल तरीके से चलते हैं कि पाइसन पहले हो टॉरस फिर हो, उस तरह से क्यों रीडिंग नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कार्ड से पूछती हूँ कि इस महीने कौन से जोडिक की रीडिंग से शुरू करना है, और जैसे मुझे कार्ड्स गाइड करते हैं मैं वैसे ही रीडिंग जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो इस महीने जो रीडिंग स्टार्ट हुई है वो वर्गो से शुरू हुई है, कन्या राशि से। तो कन्या राशि, आपके लिए जुलाई का महीना किस तरह का रहेगा? ओवरऑल एनर्जी अगर मैं जुलाई के महीने की देखूं तो मुझे बहुत पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी आपके जुलाई के मंथ की लग रही है। कुछ अच्छे मैसेजेस, पुराने एफर्ट्स के रिजल्ट्स, कहीं ना कहीं आपके वर्ल्ड में एक कम्प्लीशन, एक हैप्पीनेस, रिन्यूअल का कार्ड है। किंग और क्वीन पेंटिकल के दोनों हैं, चैरिट आगे बढ़ने का कार्ड है और एक नई बिगिनिंग का या नई अपॉर्चुनिटीज़ के आने के कार्ड्स हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी सर्कमस्टांसेस थे जिन्होंने आपको ब्लाइंड फोल्ड करके रखा था, उनसे बाहर निकल के आने के कार्ड्स हैं। तो ओवरऑल आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं और बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ के प्रस्पेक्टिव से मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलूँगी कि आपने अपने पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आप कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, अपने पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि वो एक चीज़ जो है वो बहुत स्ट्रांगली आपके कार्ड्स पर दिखाई दे रही है। दूसरा आपने ध्यान रखना है अपनी स्पीड का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने बहुत स्पीड में रहने वाले हो आप। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, अभी तक जो टाइम था वो स्लो स्लो स्लो, लाइक क्लैरिटी नहीं थी या चीज़ें मूव नहीं कर रही थी, या मतलब एक तरह से पेशेंस के साथ आप डील करना चाह रहे थे, तो अभी तक का टाइम वो वाला था। लेकिन अब अचानक से आपके लाइफ में मूवमेंट शुरू होगी, फास्ट मूवमेंट, पुराने ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे, फास्ट मूवमेंट शुरू होगी। तो जब फास्ट मूवमेंट शुरू होती है तो उस टाइम पे हमें ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है कि उस स्पीड में हम अपने आप को बैलेंस ज़रूर करें, अपने आप को नर्चर ज़रूर करें, अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान ज़रूर दें। तो आपने इस महीने अपने खाने पीने का, मतलब अपनी डाइट का, अपनी स्लीप का प्रॉपर प्रॉपर ध्यान रखना है। एक और चीज़ जो मुझे लास्ट दिखाई दे रही है वो किस तरह की स्किन एलर्जी जो है वो हो सकती है। तो बाकी अदरवाइज़ मुझे आपके कार्ड्स पे ऐसा कोई मेजर इशू हेल्थ को लेकर नहीं दिखाई दे रहा है। व्हीकल आपने बहुत केयरफुली ड्राइव करनी है, बहुत फास्ट ड्राइव जो है उसको पॉसिबल हो सके तो अवॉइड करना है। वो एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, वर्ल्ड कार्ड, इन सब के साथ और एस ऑफ पैन, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के कार्ड्स हैं, मनी को लेकर वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मनी डेफिनेटली आपकी लाइफ में फ़्लो करेगा। रादर हो सकता है कि मनी आपका मेन फोकस भी ना हो, ऑटोमेटिकली जो पुराने एफर्ट्स हैं वहाँ से आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएँ, जो पुरानी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी वहाँ से वर्कआउट करना शुरू हो जाए और मनी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में फ़्लो होना शुरू हो जाए। तो जब ऑटोमेटिकली मनी आपकी लाइफ में फ़्लो हो रहा है तो आपने अपनी बजटिंग का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम, मतलब आपके कार्ड्स देख के भी ऐसे लग रहा है कि जल्दबाजी में आ जाते हैं हम, कि अच्छा पैसा फ्लो हो रहा है, ये भी रह रहा था, ये भी नहीं किया था, वो भी नहीं किया था, ये बिल नहीं पे किया था, या उसको वहाँ से पैसे की ज़रूरत थी या उससे, तो वो उस जल्दबाजी में आपने नहीं आना है इस महीने, क्योंकि स्पीड है, स्पीड के साथ बैलेंस बहुत ज़रूरी रहेगा। तो मनी को लेकर भी बजटिंग और बैलेंसिंग जो है वो दोनों चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी रहेंगी आपके लिए। और ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप अपनी एनर्जीज़ को जो है मनी रिलेटेड सिचुएशन में अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रख के काम करो। अगर आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते हो इस महीने, अवॉइड करो अगर हो सके तो। अगर कोई ट्रिप प्लान कर रहे थे इस महीने, अवॉइड करो, क्योंकि सब कुछ खुल रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली वो भी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो अगर कोई ट्रिप प्लान कर रहे थे इस महीने, अवॉइड करो। चैरिट का कार्ड नो स्पेस पे आया है, इसलिए व्हीकल खरीदना, कोई ट्रिप लेना, ये सारी चीज़ें, या किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, ये सब चीज़ें जो हैं हो सके तो इस महीने अवॉइड करो। जल्दबाजी जो है वो बहुत अच्छी नहीं होगी। यस, मूवमेंट होगी और मूवमेंट होगी अनडाउटेबली, लेकिन सोच समझ के मूवमेंट करनी है। बात करें आपके लव रिलेशनशिप्स की, तो लव रिलेशनशिप्स में ये महीने मुझे नर्चरिंग दिखाई दे रही है, एक अच्छी पार्टनरशिप आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर मैं नए लव की बात करूं तो मुझे दो नाइट्स दिखाई देते हैं, और एक नाइट में, और ये कार्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं,
ये डेक थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एंजल विजडम टैरो कार्ड्स हैं। तो इसमें मुझे एक नाइट दिखाई देता है अगर आप देखें तो, जो मेल है, और एक नाइट दिखाई देता है जो फीमेल है। तो एक अच्छी पार्टनरशिप, अगर आप नए नए पार्टनर का, नए लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक अगेन पेयर आया है, किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली एक पार्टनरशिप या अच्छी रिलेशनशिप जो है वो आपकी लाइफ में आने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। द ओनली थिंग जिसको आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप पुरानी किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ से आप अभी बाहर आ रहे हो, अपनी आँख का ब्लाइंड फोल्ड खोल ही रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको इमिडिएटली नई रिलेशनशिप में जंप कर जाना है। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी रहेंगे। आपने बहुत वक्त से पेशेंस रखे अनडाउटेबली, लेकिन आप जब सारी दुनिया खुलती हुई दिखाई दे रही है, अपना वर्ल्ड जो है एकदम कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इमिडिएटली रिलेशनशिप्स में जंप करें। तो आपने रश नहीं करना है, रिन्यूअल है आपके कार्ड्स में अनडाउटेबली। तो अपने पास्ट को ज़रूर रिव्यू करना है, किस तरह का पार्टनर आपका पास्ट में रहा है, किस तरह की रिलेशनशिप आपको पास्ट में चाहिए थी, क्या मिला, और किस तरह से आप आगे जा रहे हो उस रिलेशनशिप में, वो आपने ज़रूर एक बार रिव्यू करना है और उसके बाद स्टेप लेना है। बाकी अगर नई रिलेशनशिप है तो उसके आने के चांसेस स्ट्रांग है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो उसमें भी पार्टनरशिप आपकी या रिलेशनशिप जो है वो बेहतरी की तरफ जाने के चांसेस हैं। अगर पिछले वक्त में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई थी जहां आपस में आपके झगड़े हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी, आप स्टक फील कर रहे थे, वो सारा जो गलतफहमियां थी उसके दूर होने का वक्त है, उन सारी चीज़ों के ओपन होने का वक्त है, और एक तरह से नई चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आने का वक्त है। ये चाहे किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो, लाइफ पार्टनर के साथ या अपनी अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में एक पॉजिटिव चेंज का टाइम है। द ओनली थिंग दैट आई विल टेल यू इज़ दैट जल्दबाजी ना करें इस महीने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए कि जल्दबाजी ना करें, पेशेंस रखें। मूवमेंट है और आपको और ज़्यादा हशश होगा, क्योंकि मूवमेंट है तो आप और ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस ज़रूर रखें, बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी रहेगी। अगर मैं बात करूँ बेबी बर्थ की, तो मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट में एस ऑफ वैंड का कार्ड भी है, वर्ल्ड कार्ड है, जजमेंट कार्ड है, तो प्रेगनेंसी क्वीन ऑफ पेंटिकल है, प्रेगनेंसी के लिए कार्ड्स आपके बिल्कुल फेवरेबल कार्ड्स हैं। किसी तरह की कोई इशू नहीं है, बस अपने हेल्थ को आपने बैलेंस रखना है, अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। अदरवाइज मुझे, और बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं ऑलरेडी, बहुत फास्ट फास्ट ना चलिए, अपने आप को थोड़ी बॉडी को रेस्ट दीजिए, थोड़ा नर्चर कीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, एक स्टेबल एनर्जी में रहना। अदरवाइज प्रेगनेंसी को लेकर भी कार्ड्स मुझे पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। मैरिज की बात करूँ तो मैरिज के लिए भी कार्ड्स पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली कोई ऐसा नेगेटिव वो नहीं है, लेकिन पेशेंस से, मतलब आपने अगर मैरिज की तैयारी करनी है तो ये नहीं कि चट मंगनी पट ब्याह, थोड़ा सा आराम से स्टेबल होके आराम से जो है उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। अगर मैं बात करूँ आपके जॉब या करियर की, तो मुझे आपके जॉब या करियर में भी मूवमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तो मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी कोई आपकी तरफ आ रही है, और अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बहुत फास्ट आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि दो नाइट्स हैं और चैरिट का कार्ड नो स्पेस पे है। मैं आपको बोलूँगी कि किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन करना है, किसी भी तरह का अग्रीमेंट आपने साइन करना है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, कोई बिजनेस आपने शुरू करना है, थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखिए। ओवरऑल सारी चीज़ें रिव्यू अच्छे से कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से देखिए, और कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत टाइम से किसी चीज़ की वेट कर रहे होते हैं, और जब वो चीज़ आती है हमारे पास तो हम इतनी जल्दबाजी में उस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि हम ये नहीं देखते हैं कि उसमें क्या है हमारे फेवर का, क्या नहीं है। तरह जैसे कोई भूखा है बहुत समय से, तो उसको जो मिल जाएगा वो खा लेगा, लेकिन वो उसकी हेल्थ के लिए कैसा है, या उसके लिए वाकई में पॉजिटिव इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो नहीं समझेगा या नहीं सोचेगा। इस तरह से ही अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो प्लीज़ इवैल्यूएट ज़रूर कीजिए, बैलेंस ज़रूर कीजिए, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट आराम से साइन कीजिए। ग्रोथ है, अनडाउटेबली ग्रोथ है, और पार्टनरशिप भी है, तो अगर बिजनेस में है तो पार्टनरशिप के भी चांसेस हैं। तो ओनली थिंग इज़ बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई अग्रीमेंट बिना पढ़े मत साइन करें। अगर आपको लग रहा था कि आपको प्रमोशन मिलनी है या ग्रोथ मिलनी है या किसी तरह की जर्नी या ट्रैवल जो है वर्क रिलेटेड मिलना है, या शिफ्ट या ट्रांसफ़र वर्क रिलेटेड होना था, थोड़े से पेशेंस रखिए, हो जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में बताइए। जल्दबाजी में आके कुछ करेंगे तो वो बहुत फ्रूटफुल नहीं रहेगा। और ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको ये महीना दे सकता है अगर आप अपने एनर्जीज को बैलेंस रखेंगे। अगर बात करें सोल पाथ स्टूडेंट्स के लिए, ये महीना अगेन मुझे बहुत पॉजिटिव महीना लग रहा है। अगर आपने पास्ट में जो भी प्रिपरेशन की थी, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी थी, जो भी चीज़ें आपने की थी, उनका रिजल्ट आपको अब मिलना शुरू होगा। लेकिन गाइड्स के साथ कनेक्टेड रहिए,
अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए, चॉकलेट्स थोड़ी कम खाइए, क्योंकि मुझे ये दोनों कॉइन्स देख के ना एकदम चॉकलेट, वो कॉइन वाली चॉकलेट होती थी ना, एकदम उसका स्वाद मेरे को मुंह में आ गया। तो चॉकलेट्स थोड़ी सी कम खाइए, आपके हेल्थ के लिए शायद ठीक ना हो, इसलिए मुझे वो दिमाग में या कहीं से वो चॉकलेट याद आई। बट अदरवाइज इस महीने जो भी आप प्लांट करेंगे उसका रिजल्ट, इसने एक सीड प्लांट की थी और उसका रिजल्ट इसको मिल रहा है, वो वहाँ से प्लांट उग के आया है। तो जो भी आप प्लांट करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, इसलिए अपने ग्रोथ पे, अपनी पावर पे, अपनी पैशन पे ज़रूर ध्यान दें और उसको फॉलो करें इस महीने, लेकिन जल्दबाजी में ना आए। बात करें सोल पाथ की, सोल पाथ के लिए मैं आपको बोलूँगी रिन्यूअल का कार्ड है, और रिन्यूअल का कार्ड सबसे पहली चीज़ बोलता है पास्ट को भूल जाए, पास्ट को फॉरगिव कर दें, माफ़ कर दें। अगर पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ किया है, कोई बात हुई है, कोई सिचुएशन हुई है, उसको माफ़ कर दें और उसको माफ़ करके आगे बढ़ें। फॉरगिवनेस की एनर्जी जो होती है वो बड़े बड़े गेट जो है, बड़े बड़े ब्लॉकेजेस जो है उनको क्लियर कर देती है। तो फॉरगिव करें, अपनी लाइफ के पर्पस को समझें और अपने हार्ट को बैलेंस करें, अपनी हार्ट की एनर्जी को बैलेंस करें। तो अगर सोल ग्रोथ, अगर आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, फॉरगिव करेंगे, तो आप आगे के लिए नई चीज़ें जो है अपनी लाइफ के लिए तैयार करेंगे, और वो बहुत अच्छा कनेक्शन होगा जहाँ पर आप अपने गाइड्स के साथ, अगर आप देखें तो उसका एंजल जो है वो कनेक्ट कर रहा है, तो अपने गाइड्स के साथ या अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पास्ट को फॉरगिव करें। अगर नंबर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो नंबर 7 मैं इस महीने आपको नंबर ऑफ द मंथ दूंगी, और 7 नंबर जो है वो बहुत मैजिकल नंबर होता है, लेकिन वो इल्यूजन्स भी क्रिएट करता है। तो आपको ये ज़रूर बैलेंस रखना है कि आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जाएं, क्लैरिटी के साथ जाएं, तो उसमें आप इल्यूजन्स को अवॉइड कर पाएंगे और मैजिक को समझ पाएंगे। तो ये ज़रूर आपने ध्यान में रखना है। बात करूं आपके चक्र ऑफ द मंथ की, तो मैं हार्ट चक्र इस महीने आपको चक्र ऑफ द मंथ दूंगी। 2 मैं सबको इनकरेज करूँगी कि अगर सिर्फ 7 मिनट की ऑल चक्रा मेडिटेशन है, अगर आप वो कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है, पर अगर नहीं कर सकते हैं तो हार्ट चक्र की मेडिटेशन ज़रूर इस महीने कीजिए, और ग्राउंडिंग कर सके तो कीजिए, क्योंकि इस महीने की एनर्जी बहुत हशहश है और आपको पेशेंस की ज़रूरत है। तो ग्राउंडिंग करेंगे तो आपको हेल्पफुल रहे। बात करूं आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, तो इस महीने जो कार्ड मुझे आया है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स, और हम धीरे धीरे ही अपनी, और 28 नंबर है तो नंबर 10 है कंप्लीशन की तरफ जाने का है, हम धीरे धीरे ही अपनी लाइफ में जो है उनको ब्लॉक्स को बिल्ड करते हैं अपनी लाइफ के लिए, और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स से हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है इस महीने, आपकी मेंटल एक्सरसाइज इस महीने ये रहेगी कि आप पास्ट को जो है वो लेट गो एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सेकेंड आपने हमेशा ये ध्यान रखना है पूरे महीने कि आप हर चीज़ को वर्क इन प्रोग्रेस की तरह देखें और उसमें फर्म फाउंडेशन जो है अपनी क्रिएट करें। तो आपने अपने आप को भी ये बार बार अफर्म करना है कि मैं जो भी मेरी लाइफ की सिचुएशंस हैं वो एक फर्म फाउंडेशन मैं अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ आगे जाने के लिए। और जो भी आपकी लाइफ में आज तक की चीज़ें हुई हैं, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ फॉरगिवनेस की एनर्जी आती है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आज तक हुई हैं उनको इस नज़रिए से देखना है कि अगर उसमें से एक भी चीज़ बुरी भी, एक भी चीज़ नहीं होती तो शायद आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे होते। तो हर एक चीज़ को एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह आपने लेना है आगे बढ़ने के लिए, और डेफिनेटली आप कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। अगर मैं आपके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम इस वक्त में खो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा अपना हमने खोया है, तो इसलिए मैंने इस बार जो मैसेजेस लिए हैं वो मैसेजेस मैंने दूसरे डेक से लिए हैं, स्पिरिट मैसेजेस। तो ये स्पिरिट मैसेजेस हैं, और आपका स्पिरिट मैसेज है कि हमेशा याद रखें कि आपकी बॉडी के साथ आपकी सोल जो है वो आती है। तो सोल है तो आपकी बॉडी है, और जो बॉडी है वो बिना सोल के नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जो सोल है वो आपका एक्चुअल असेंस है, और आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई है सोल पावर की, और जो भी आप करना चाहते हैं, जिस तरह से भी आगे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर पावर है वो करने की। तो अपनी सोल के साथ कनेक्ट कीजिए, अपनी सोल पावर के साथ कनेक्ट कीजिए, और अपनी सोल की एनर्जी पे भरोसा रखिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए। एनिमल एनर्जी ऑफ द मंथ की बात करूं तो इस महीने कार्ड आया है गिनी पिग, और गिनी पिग का कार्ड बोलता है हील योर हार्ट। कितना क्यूट सा गिनी पिग है इसने पकड़ा है, हील योर हार्ट, और इसलिए मैंने आपको हार्ट चक्रा भी दिया है। गिनी पिग्स अगर बहुत क्यूट होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं और बहुत डेलिकेट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें किसी पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो वो गिनी पिग्स होते हैं, लेकिन उन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन तक पहुँच पाती हैं। तो हमारी लाइफ भी हमें उस तरह से ट्रीट करती है, बहुत सारे चीज़ें सिचुएशंस जो होती हैं वो ख़राब होती हैं, वो एक तरह से एक एक्सपीरियंस होता है हमें बेटर बनाने के लिए। तो अपनी हार्ट की एनर्जी को ओपन कीजिए, हील कीजिए, और समझिए कि पूरे हर एक चीज़ जो आपकी लाइफ में है उसने आपके लिए एक नई फाउंडेशन बिल्ड की है।
अगर ये समझेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। मैं लाइफ कार्ड भी आपके लिए निकालूंगी एक, और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर हो सके तो आप वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पे और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, चाहे वो टैरो लर्निंग हो, चाहे वो सोल की अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो पिक अ कार्ड हो, बहुत कुछ है। तो आप अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के वो देख सकते हैं। चक्रास के बारे में है, मेडिटेशंस के बारे में है, तो देख सकते हैं और जो अच्छा लगे वो दूसरों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो बहुत बहुत हेल्प करेगा। और एक लाइफ कार्ड आपके लिए ले लेते हैं, मंथ ऑफ जुलाई फॉर वर्गो। ओके, तो वी हैव द कार्ड सेलिब्रेशन। वाओ, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली मुझे आपका वर्ल्ड कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आ रही है, कंपेनियंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो अनडाउटेबली सेलिब्रेशन का कार्ड है। अनडाउटेबली एक जगह अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ या पुराने लोगों के साथ इकट्ठा होकर वो स्टार्स को देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये वक्त है जब आप देखेंगे पास्ट में क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या चीज़ें अचीव हुई। एक तरह से बहुत सारी एक ब्यूटीफुल एनर्जी का, वेल ओवरवेलमिंग ब्यूटीफुल बैलेंस्ड एनर्जी का कार्ड है। बस अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अदरवाइज जुलाई का महीना आपके लिए बहुत 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 अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। और इससे ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनलाइज टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, हम उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ए सेट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।